हम चाहते हैं कि भारत बंगलोर में ही बनना चाहिए, हम बनने ही नहीं देंगे। सरकार बोलता विकास होगा, विकास कहाँ से होगा? बिहार विकास करता तो हम रोज रहते, विकास करने चाहिए अस्पताल खोलना चाहिए, रोड कहीं के लिए बना रही है? ये रोड तो पूंजी पत्ते के लिए बन रहा है। हम लोग पेड़ पौधे को भी बचाना चाहते हैं, पर्यावरण को भी बचाना चाहते हैं, जल जंगल जमीन को भी बचाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग ये रोड वहाँ पर बनाने नहीं दे रहे। लड़ेंगे, लड़ेंगे, कब तक लड़ेंगे? लड़ेंगे जब तक हमारी आवाज सरकार तक नहीं पहुँचती है, जब तक हमें आदेश नहीं देती है तब तक हम लोग लड़ेंगे। नहीं, हम लोगों का तो विकास नहीं होगा, इसके लिए तो हम लोगों का विकास नहीं होगा। हम लोग माने इसके लिए ये बन जाएगी तो हम लोग विस्थापित हो जाएंगे, बस इतना ही है। इसमें जैसे सरना है ना, मंदिर है, पूजा स्थल है, गिरजा है, मसना है ना, कबरगाह है, बहुत सारे समाज जो यहाँ जो हम लोग रहते हैं सबका ये जो है अपना धार्मिक एक तो व्यवस्था है, ये सब नष्ट हो जाएगा सब। हम विकास विरोधी नहीं है, लेकिन किसी आदिवासी मूलवासी को उजाड़ करके विकास हम लोग नहीं चाहते हैं। हम आदिवासी सरकार के किसी भी विकास योजना के विरोधी नहीं हैं, विरोध नहीं करते हैं, परंतु हम जिस राज्य में रहते हैं वह राज्य आदिवासी बहुल राज्य है और यहाँ आदिवासियों की अपनी परंपरा है, अपनी संस्कृति है, अपनी ज़मीन है और अपना एक अलग पहचान है, उसको हनन होते भी हम लोग नहीं देख सकते हैं। अभी इन्हीं बातों को लेकर सिमडेगा से, खूंटी से, गुमला से बड़ी आबादी में एक समूह रांची पहुंचा है, आदिवासियों से भरा ये समूह है। केंद्रीय ग्राम सभा लुम्बई सिमडेगा के तत्वाधान में के बैनर तले ये संगठन यहाँ पहुंचा है और आपको बताएं कि भारत माला एक प्रोजेक्ट है, एक ऐसी सिक्स लेन परियोजना, एक ऐसी सिक्स लेन सड़क परियोजना जो भारत को चारों तरफ से माले की तरफ पिरोती है, इसलिए उसका नाम भी भारत माला प्रोजेक्ट है। फिलहाल ये जो लोग पहुंचे हैं जो रांची से गुमला से सिमडेगा खूंटी से होते हुए संबलपुर उड़ीसा जो सड़क जाएगी, हालांकि उस तरफ चतरा धनबाद बोकारो के इलाके में सड़क जाएगी, लेकिन इस इलाके में जो आदिवासी प्रभावित होंगे, विस्थापित होंगे, जिनकी ज़मीनें जाएंगी, वो लोग राजभवन पहुंचे हैं। हम लोग उनसे बात करते हैं, ग्राम सभा के अध्यक्ष हैं आपसे। हाँ हाँ। क्या नाम हो बाबा? जूनस टोपनो। जूनस टोपनो। केंद्रीय ग्राम सभा अध्यक्ष लोम्बोई के अध्यक्ष जूनस टोपनो हमारे साथ हैं। क्या बात है, आप लोग उतना दूर से आ गए हैं? हम लोगों का यही बात है कि हम लोग जो नया भरतमाला बनाते हैं, बन रहा है, उसके विरोध में इस भरतमाला के रोड में जो नया रोड बन रहा है उसमें आदिवासियों का बहुत से गैर आदिवासियों का जमीन भी है, सबका जमीन निवास हो रहा है, हम लोग निवास होने नहीं देंगे। हम लोग उसके सुरक्षा में आए हुए हैं, उसके विरोध में आए हुए हैं, लेकिन हम लोग विकास विरोधी तो हैं नहीं, लेकिन विकास विरोधी होते तो हम लोग माने NH 43 उसको नहीं, उसको भी मना करते, लेकिन हम लोगों का मानना है कि उसी में रोड बने। तो रोड बन जाएगा तो अच्छा है ना, पूरा देश में आ जाने आने में आसान होगा, ऐसा लोग बोलते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग इसमें नया रोड के लिए हम लोग एग्री नहीं है। काहे, माला प्रोजेक्ट से क्या दिक्कत? इससे दिक्कत यही है कि इस रोड के अंतर्गत आदिवासियों का ज़्यादा से ज़्यादा जमीन है, वो अधिग्रहण होगा, निवास होगा, और जितना भी रोड के बीच में जो जा रही है उसके बीच में कब्रस्तान है, उसके बाद में मंदिर है, स्कूल घर है, और साथ साथ में जितना भी कुआबारी है, और हम लोगों के पूर्वज जो पेड़ पौधा सुरक्षित किया है उस भी कटा जाएगा, हम लोग उसी से अपना जीविका। विकास होगा, सरकार बोलती है विकास
विकास होगा? नहीं, हम लोगों का तो विकास नहीं होगा, इसके लिए तो हम लोगों का विकास नहीं होगा। हम लोग माने इसके लिए ये बन जाएगी तो हम लोग विस्थापित हो जाएंगे, बस इतना ही है। यहाँ सब लोग सिमडेगा खुटी गुमला के लोग आए? हाँ। तो आप लोग क्या फैसला लिए हैं ये केंद्रीय ग्राम सभा लुम्बई से? केंद्रीय ग्राम सभा लुम्बई से तो सिक्स लेन नहीं बनाने का ही, रोकने का ही फैसला हो चुका है, वही बात कह के हम लोग आए हुए हैं। सरकार बनाबे करेगी तब? सरकार बनाएगी तो हम लोग फिर भी हम लोग जोर करेंगे, लड़ेंगे, रोड भी हम लोग जाम करेंगे, रोड भी हम लोग जाम करेंगे। हम लोग जल्दी जल्दी अपनी बातों को रखते हैं। इस वक्त अजीत पुरी, क्या नाम है? रोड बन रहा है तो सरकार बोलती है कि रोड बनने से विकास होता है। केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार के लिए हम भी बोल रहे हैं, चाह रहे हैं कि विकास हो, और हम जा रहे हैं, पर हमारे जो पुराने रोड है उसको हम ना करते, क्योंकि हम लोग वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 200 फीट कम चौड़ाई नहीं है, उसमें हम लोग जल जंगल जमीन कितने हैं, सबसे ज्यादा तो हमारा पेड़ कटा जा रहा है, लाखों लाख पेड़ कटा रहा है, उसमें आप लोग देख रहे हैं की पर्यावरण सबसे दूषित हो रहा है। हम लोग पेड़ पौधे को भी बचाना चाहते हैं, पर्यावरण को भी बचाना चाहते हैं, जल जंगल जमीन को भी बचाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग ये रोड वहाँ पर बनाने नहीं दे रहे। लड़ेंगे, लड़ेंगे, कब तक लड़ेंगे? लड़ेंगे जब तक हमारी आवाज सरकार तक नहीं पहुँचती है, जब तक हमें आदेश नहीं देती है तब तक हम लोग लड़ेंगे। क्या नाम हो? स्कूल खोले आए हम लोग सापुर पंचायत से, सिमडेगा से, हमने रोड ले लिया सिमडेगा से, सिमडेगा तोरो घर जाता होगा हुआ, आपका भी घर जा रहा है इस प्रोजेक्ट में, जा रहा है, इसलिए तो धरना करने आए हैं। हम चाहते हैं कि भारत वाला रोड नहीं बनना चाहिए, हम बनने ही नहीं देंगे। हम आदिवासियों को सरकार बोलता विकास होगा, विकास कहाँ से होगा? बिहार विकास करता तो हम रोड करते, विकास करने चाहिए अस्पताल खोलना चाहिए, रोड के लिए बना रही है, ये रोड तो पूंजीपति के लिए बन रहा है, गरीबी की गरीबियों के लिए थोड़ी बन रहा है, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। सड़क बन रही है, सड़क बनने से लोग कनेक्ट होंगे, दूसरे दूसरे राज्यों से झारखंड कनेक्ट होगा, क्या दिक्कत है फिर? बड़ी दिक्कत है बाबू, है ना, इसलिए कि जमीन तो देखिए हम लोग का गिफ्ट है, भगवान का दिया हुआ चीज़ है, ये तो बढ़ता नहीं है, है ना। जमीन जहाँ सीमित है वही है, आपके लिए भी मेरे लिए भी, हम लोग का पूर्वज है ना, हम लोग को मैंने कि क्या कहेंगे कि घर मकान सारा चीज़ हम लोग के लिए व्यवस्था किया है, हम लोग यहाँ रहते हैं, हम लोग है ना, और भोले भाले हैं, सब भोले भाले हैं यहाँ, और यहाँ जो जनता रहती है हम लोग का 3 करोड़ जनता, हम लोग व्यक्तिगत ग्राम सभा होकर के नहीं मांग रहे हैं, हम लोग सामूहिक रूप से मांग रहे हैं कि भाई मांग रख रहे हैं कि ये जो सिक्स लेन जो बन रही है, इस सिक्स लेन बनने से बहुत सारे लोग विस्थापित हो जाएंगे, है ना, बहुत सारे पेड़ कट जाएगी, बहुत सारे मतलब कि हम लोग का ग्रामीण लोग विस्थापित हो जाएंगे, सारे लोग खत्म हो जाएंगे यहाँ, जैसे उदाहरण बहुत है यहाँ पर, जैसे टाटा को देख लीजिए, राउरकेला को देख लीजिए, केसी को देख लीजिए, धनबाद बोकारो को देख लीजिए, कितने लोग विस्थापित हो गए हैं, है ना, और यही होने जा रहा है यहाँ भी, जब थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, अगर इसमें भी हम माने कि बड़ा सिक्स लेन बना देंगे तो क्या होगा? हम लोग विकास विरोधी नहीं है, पहले ब्रिटिश युद्ध है, बहुत सारा सड़क जो है ना, बहुत सारा सड़क जो बनी है उसी को थोड़ा थोड़ा चौड़ीकरण करें ना, हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं इसी को, जहाँ पर जो है ब्रिटिश टाइम में जो है सड़क बनी है, एनएच बनी है, माने कि जैसे आरियो रोड सब बनी है, है ना, ग्रामीण क्षेत्र में अभी छोटा छोटा करके बहुत सारे जमीन लिया जा रहा है ना, वो तो गांव को जाने के लिए घुसने के लिए जमीन है, लेकिन इस सिक्स लेन जो है बहुत जबरदस्त रोड बनेगा, जो कि वो भी हम लोग का घर यहाँ है, इतना ऊंचा बनेगा, है ना, बहुत ऊंचा, कम से कम 15 फीट ऊंचा से भगेगा, है ना, तो हम तो ताकते रह जाएंगे, है ना, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पूंजीपति लोगों के लिए रोड है ये।
है, हम लोग का गरीब लोगों के लिए रोड नहीं है, है ना। इसीलिए अभी जो इस तरह का जो व्यवस्था है वही चीज़ जो हम लोग भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई यहाँ सिक्स लेन ना बन करके यहाँ जो NH रोड बना है वही सब को चौड़ीकरण कीजिए। उसी में आपका देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ अभी सिक्स लेन ना बना करके फोर लेन बनाइए, फोर लेन बन चुका है, उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिक्स लेन क्यों बनेगा, है ना। सवाल क्या लगता है, सिक्स लेन बनने से आदिवासी की परंपरा रीति रिवाज सब खत्म? हम बता रहे हैं इसमें जैसे सरना है, है ना, मंदिर है, पूजा स्थल है, गिरजा है, मसना है, है ना, कबरगाह है, बहुत सारे समाज जो यहाँ जो हम लोग रहते हैं सबका ये जो अपना धार्मिक एक व्यवस्था है ये सब नष्ट हो जाएगा, है ना, ये सिर्फ दोबारा नहीं मिलेगा, है ना। तो विरोध का और क्या स्तर होगा, कितना विरोध का? हम लोग जब तक इसको बंद नहीं कराएंगे तब तक हम लोग विरोध करेंगे, हम लोग रोड जाम करेंगे, रेल को भी बंद करेंगे जरूरत पड़ेगा तो, है ना, और सारे का सारे NH को NH रोड को हम लोग जाम करेंगे, पूरा जितना भी हम लोग 24 जिला है ना, 24 जिला जो जितना भी रोड चल रही है सबको जाम करेंगे हम लोग। विरोध का स्तर और ऊंचा होगा? विरोध का स्तर और ऊंचा होगा। आप क्या लगता है कि आदिवासियों के मूल सभ्यता संस्कृति को बर्बाद किया जाएगा इस प्रोजेक्ट से? हाँ, बर्बाद तो किया जाएगा, बर्बाद किया जाएगा, इसी को बचाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और ये सिक्स लेन बनाने का जरूरत नहीं है, रोड जब पहले से है उसको बनाए, हम लोग किसी तरह का विरोध नहीं करेंगे, हम विकास विरोधी नहीं है, लेकिन किसी आदिवासी मूलवासी को उजाड़ करके विकास हम लोग नहीं चाहते हैं।